ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ 43 दिनों से धरना दे रहे किसान अब आर पार के मूड में हैं। आज किसानों ने जबरन प्राधिकरण के दोनों गेट बंद कर दिए, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो दोनों गेटों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। वीडियो में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर धरना प्रदर्शन करते दिख रहे ये लोग किसान है। नारेबाजी कर रहे ये किसान 43 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद प्राधिकरण के अधिकारी उनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं। आज धरना दे रहे किसानों ने प्राधिकरण के दोनों गेट जबरन बंद कर दिए। किसानों ने सर्किल रेट के हिसाब से 4 गुना मुआवजा, भूमिहीन किसानों को 40 वर्ग मीटर का भूखंड समेत कई मांगे रखी गईं। किसानों ने मांगों को लेकर डेरा डालो घेरा डालो अभियान शुरू किया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं आंदोलन जारी रहेगा। धरना दे रहे किसान रूपेश वर्मा ने प्राधिकरण पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी कई बार प्राधिकरण के अधिकारियों और गौतम बुद्ध नगर के डीएम से वार्ता हुई है, इसके बावजूद भी किसानों की मांगों को नहीं माना गया। जो हमारा 17.5% आवासीय स्कीमों का कोटा होता था वो इनका खत्म हो गया। आज 43वां दिन लगा, आज हमारा डेरा डालो घेरा डालो प्रोग्राम, इसमें हजारों किसान आए हैं। दोनों गेट हमने इनसे कल ही कह दिया था कि ठोक के हम बंद करें। महिला किसान शालिनी का कहना है कि परिवार की सारी जमीन अधिग्रहण में चली गई, अब कोई काम नहीं बचा है, इसलिए घर में किसी एक को नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे आदमी भाई मुझे यहाँ पर पड़े हैं, दूसरा महीना लग रहा है और दिन रात एक कर रहा है, न खाना है न नहाना है, टाइम से कुछ मिला है उसी दिन से इसमें, और हम भी साथ और हमारे बच्चे भी साथ हैं। अच्छा। इस धरने में हमारा 10% को मिलना चाहिए। किसानों का कहना है कि उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, उनकी मांगों को संज्ञान में लेकर उनकी समस्याओं को जल्द नहीं निपटाया गया तो आगामी दिनों में प्राधिकरण के दोनों गेटों को जबरन पूरी तरह से बंद किया जाएगा। बता दें कि प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था, जिससे कोई अप्रिय घटना न घट पाए। 2014 का 13 का मनमोहन सिंह का सरकार, और वो कानून में हम ठीक किया था कि किसान का जमीन लेने के लिए उसका अनुमति लेना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।